नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास ओनली आधार कार्ड है और जहां पर आपकी आइडेंटिटी या फिर एड्रेस प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है तो आपका ओनली आधार कार्ड से काम हो जाएगा। आपको अदर कोई भी डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर आप किसी होटल बुक करते हो या फिर आप ट्रेवल करते हो तो आप वहाँ पर अपना आधार कार्ड दे सकते हो। लेकिन क्या होगा जब आपको बाद में पता चले कि मेरे होटल में जो बंदा या फिर बंदी रुक के गए हैं उन्होंने जो अपना आधार कार्ड दिया है वो आधार कार्ड तो फेक है, क्योंकि आजकल तो किसी के नाम से ही फेक आधार कार्ड बनाना बहुत ही ईजी हो गया है। किसी के भी सोशल मीडिया में चले जाओ, उसकी फ़ोटो डाउनलोड कर लो और मार्केट में बहुत सारे एप्लीकेशन है, पर बहुत सारे वेबसाइट आ चुके हैं जो कि फेक आधार कार्ड बनाने का काम करता है। तो कहने का मतलब है कि आप किसी की भी फ़ोटो डाउनलोड करके और उसके नाम से आप कोई भी वहाँ पर डिटेल्स डाल के आप अपने अनुसार आप आधार कार्ड बना सकते हो और आप उसको प्रिंट भी कर सकते हो। और एक बार में कोई भी बता नहीं सकता है कि ये ओरिजिनल आधार कार्ड है या फिर ये फेक आधार कार्ड है। जब तक आप उसका QR कोड स्कैन नहीं करते या फिर आधार नंबर डाल के UID की साइट में आप उसको वेरीफाई नहीं करते, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो चलिए आज मैं आपको बता देता हूँ कि फेक आधार कार्ड और ओरिजिनल आधार कार्ड किस प्रकार से आप पता कर सकते हो। अगर आपका भी कोई होटल है पर कोई ऐसा काम करते हो जहाँ पर आपको सामने वाले का आधार कार्ड लेना पड़ता है, तो सबसे पहले दोस्तों देख लीजिए, जैसे ही वो आधार कार्ड अपना देता है, अगर वो PVC आधार कार्ड होता है तो आप अपने माई आधार एप्लीकेशन से उसका ये जो QR कोड है उसको स्कैन करना है। और जैसे आप स्कैन करते हो तो आपके मोबाइल पे उसकी डिटेल्स पूरी पूरी शो हो जाएगी, जो भी उसके आधार कार्ड में डिटेल्स होगी। और अगर आप स्कैन नहीं कर सकते, बहुत से जो आधार कार्ड हैं उसका जो QR कोड होता है वो स्कैन नहीं होता है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप UID की साइट में जाके और उसका आधार नंबर डाल के आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये आधार कार्ड ओरिजिनल है या फिर ये फेक है। फेक होगा तो वहाँ पर कोई भी डेटा शो नहीं होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ प्रैक्टिकली करके। तो दोस्तों सबसे पहले इस साइट में आना होगा, इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है वेरीफाई आधार। इसके बाद से जिसका भी आप आधार वेरीफाई करना चाहते हो यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे, ये वाला कैप्चा यहाँ पर डालेंगे और प्रोसीड एंड वेरीफाई आधार यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो ये वाला आधार कार्ड एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर आधार होल्डर की एज आ जाएगी, मतलब परफेक्ट एज तो नहीं आएगी लेकिन अनुमानित एज आ जाएगी। अगर किसी की 35 साल है तो यहाँ पर बताएगा 30 से 40 साल इस आधार होल्डर की एज है। इसके बाद से मेल है या फिर फीमेल है यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद से उसका स्टेट शो हो जाएगा और आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है उसके लास्ट के 3 डिजिट यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप किसी के भी आधार कार्ड को पता कर सकते हो कि आपका आधार कार्ड ओरिजिनल है या फिर फेक है। और अगर आपके मन में अभी भी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है, मन में कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।